नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। गुजरात के पाटन जिले में छात्रों के झगड़े से भड़की सांप्रदायिक हिंसा, झड़प में एक व्यक्ति की मौत, 6 घायल। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में चलाई गोलियां। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे पर होमगार्ड्स ने रखी पक्की नौकरी की मांग, तो कर्ज माफी के लिए गोरखनाथ मठ के बाहर एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। मौजूदा लोगों ने शख्स को आत्मदाह करने से रोका, शख्स ने इलाज के लिए लिया था कर्ज। यूपी में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने राज्य मंत्री सुरेश राणा के सामने दिया विवादित बयान, कहा गो हत्या करने वालों की तोड़वा दूंगा हाथ पैर। मंत्री ने दी सफाई, कहा कानून से बढ़कर कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बॉलीवुड की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी करने का नहीं थम रहा सिलसिला। शिरीष कुंदूर के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने यूपी के मुख्यमंत्री को पेट से गैस निकालने की दी सलाह। योगी सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान को किया डबल, अब 50,000 से बढ़ाकर किया गया 1,00,000 रुपए अनुदान। गोरखनाथ मठ में भव्य जश्न का आयोजन। अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी जनता को कर रहे हैं संबोधित। बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। भारतीय सेना का बड़ा फैसला, 25% तक सहायकों की संख्या घटाने का लिया निर्णय। फिलहाल भारतीय सेना में सहायकों की संख्या है 40,000। गिलगित बाल्टिस्तान को अलग प्रांत बनाने पर पाकिस्तान की ब्रिटेन में थू। ब्रिटेन की संसद में पाक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, कहा भारत का हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान, पाक ने किया अवैध कब्जा। भारत तक पहुंची अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की आज। अमेरिका की 271 गैर कानूनी प्रवासियों की लिस्ट भारत को मंजूर नहीं, कहा बिना जांच के नहीं होगी प्रत्यर्पण की तैयारी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा आखिरी टेस्ट का दूसरा दिन भारत को लगा पहला झटका, मुरली विजय आउट। कल 300 रन पर ऑल आउट हुई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां आई खबरें लगातार।